सर कार्तिक सर अभी आ रहे हैं पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस में। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच पापा। लेकिन आप बाहर क्यों वेट कर रहे हैं? मुझे एक फोन कर देते मैं बाहर आ जाता। कार्तिक इसीलिए नहीं फोन किया, जैसे ये गुड न्यूज सुनी हमसे रहा नहीं गया, हम आ गए। सॉरी पापा प्लीज। अच्छा ये बातें छोड़ो, आओ गले मिलो। कार्तिक ये तुम्हारे लिए। मुझे भी मेरे दादाजी ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया था जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। बेटा बड़ों के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन होता है और हमारे लिए खुशकिस्मती का। इससे तुम बड़ी से बड़ी डील साइन करो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और अपने एम्प्लॉयज की कामयाबी लिखो, खुशियां लिखो। थैंक यू सो मच पापा। अपने एम्प्लॉयज का तो मैं ख्याल रख ही लूंगा क्योंकि आपने कहा है, लेकिन आप भी अपने पुराने बेचारे एम्प्लॉय को भूलना मत प्लीज। ये लोग भी ना एक दो बार में बात को समझते नहीं है। हम हमेशा समय तय करके फिर मिलते हैं, ये लोग तो कभी भी कहीं भी बिन बताए पहुंच जाते हैं। लगता है इन्हें खुल के समझानी पड़ेगी अब बात। ऑल द वेरी बेस्ट बड़ी, खूब तरक्की करो लाइफ में। आप भी। बधाई हो, आज बहुत ही अच्छा दिन है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत कर लिया इधर उधर की नौकरियां, अब आया सही जगह। उसे उसका हक मिल गया और हमें हमारा वारिस। बिल्कुल सही कहा है आपने, जो चीज जहां के लिए बनी होती है वही शोभा देती है। अब तो आपको चिंता नहीं है ना, हमारा कार्तिक बहुत ही डिपेंडेबल है। नहीं सोचते मिस्टर कार्तिक को इनका, जब बॉम्ब जैसा फैसला लिया है तो कंफ्यूजन की चिंगारी उड़ने से उसे दूर रखना होता है, नहीं तो धमाका हो जाता। वाह क्या एग्जांपल दिया आपने, आप टेररिस्ट थे पहले। टेररिस्ट ये तो नहीं लेकिन बन सकती। अगर बनना ही है तो देश की रक्षा करने वाले बनो। फिलहाल तो तुम अपनी रक्षा कर, बहुत हैंडसम लग रहा है। तो इरादा क्या? था तेरी, ट्रेलर क्या दिखाया, फिल्म क्या बन गई? क्या बात है, मेंढक बड़ा ही फिल्मी हो रहा। अब शेविंग रोमांस भी करती है तो घुर्राती है ये बेचारा मेंढक, करे भी तो क्या करे। डर 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 going to house Udaipur. Subject, apology in advance. Dear ma'am, this is to inform you, कल से मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानती हैं, हमारी नई नई शादी हुई है, ऐसे में हमारा दूर रहना दोनों के लिए कितना मुश्किल है, पर परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसे कठिन समय में आप मेरी मदद अवश्य करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। नहीं। हाँ। क्या सोच रही हो? I'm already missing you. Same bench.
मैं अभी से बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। चलो मेरे साथ। गुलामी की बेड़िया पहनने से पहले आजादी की एक आखिरी रात का जश्न मनाने। कल से तो मुझे कार्तिक गोयनका बन के रहना पड़ेगा, पर आज की रात तो शेरनी और मेंढक का रोमांस हो सकता है। ओ, तो तुम मुझे कल से मैं बिजी हूँ इसलिए आज ही पटा लेता हूँ, पैसे वाली डेट पे लाए हो? जी नहीं, मैं तुम्हें कल से मैं बिजी हूँ इसलिए आज जी भर के तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, ऐसी वाली डेट पे लाया। फर्क समझ में आया? तो आइए। इतनी रात हो गई, कहाँ है ये दोनों, अभी तक आए क्यों नहीं? माँ जी आज मौसम बहुत अच्छा है ना, कहीं लेक के किनारे बैठ के होंगे, आ जाएंगे जल्दी। इस मामले में हम कुछ भी कहें तुम्हें हमें टोकना जरूरी है ना? हम भी जानते हैं मौसम अच्छा है, लेकिन तब नहीं जब दूसरे दिन काम पे जाना हो। जब पूरा दिन काम करना हो तो रात भर की नींद भी जरूरी है कि नहीं? दादी दादी, हम आपके लिए और आप सबके लिए मीठा पान लाए। पहले आप खाइए। और चाची सबको। दादी आप लोग प्लीज पान एंजॉय कीजिए, मुझे चाचू से एक फाइल लेना है, वो काम करके आता हूँ। नायरा तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन हमारे कुछ नियम उसूल हैं जिनका पालन पूरा घर करता आया है। जैसे कि हम सूर्यास्त के बाद कोई गरिष्ट नहीं खाते, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, हमारे काम को हमारी जिम्मेदारियों को ज्यादा महत्व देते हैं। हम तुम्हें सुना नहीं रहे बस बता रहे, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तुम्हारी मौज मस्ती से कोई एतराज नहीं है पर हर चीज एक सीमा में अच्छी लगती है। अब देखो ना, किट्टू को कल सुबह ऑफिस जाना है, कितना सारा काम करना है, कितने लोगों से मिलना है, उसके लिए जरूरी है कि उसे रात को अच्छी नींद मिले। अगर कल ऑफिस नहीं होता तो तुम रात भर भी पार्टी करते, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। खैर आज के बाद ध्यान रहे। दादी आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आज के लिए सॉरी। क्या होता है ना कभी कभी, उस कभी कभी में ही गड़बड़ हो जाती है नायरा, उसी को संभालना होता है। क्या सोच रहे हैं चाचू? एक्चुअली ये हुई ना बात, आज से तो हम सबको लीड करेगा। जाओ अपनी नई गाड़ी में, आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। कार्तिक, इट्स ओके, इतना मत सोचो। अच्छा सुनो, वो मैं सोच रही थी कि जब मेरे पति देव काम पे जाएंगे खेतों में, आई मीन ऑफिस में, तब मैं उनके लिए सूखी रोटी, चटनी और छाछ सर पर उठा के लाऊंगा। चले
भटूरे लाओगी तो पति खुश भी हो जाएगा। जब इतना कष्ट उठा ही रही हो तो छोले भटूरे ला दो यार, सूखी रोटी क्या खाऊंगा। चटोरे हो ना तुम वो, प्लीज अच्छे खाने का कदरदान। I'm a foodie, not chatora. Okay. I love you. I love you too. Bye, Ravi. Bye. छोले तो मैनेज हो जाएंगे फिर भी, पर भटूरे भटूरों का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए ना, भटूरे का आटा कैसे गूंथते हैं? मैदा, दादी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। सुनिए, हमारे पास मैदा है? नो मैम। तो आप जल्दी से मंगवा दीजिए। मैम जल्दी से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस ऑर्गेनिक स्टोर से हम सामान मंगवाते हैं वो थोड़ा दूर है, और कभी कभी वहाँ पे कुछ सामान मिलता नहीं है। वो हम दिल्ली से मंगवाते हैं, वो शाम की फ्लाइट से आता है। अभी मैं ये लिस्ट फैक्स करने जा रही थी, आपको जो भी चाहिए आप इसमें लिख दीजिए। आप मुझे तो ये सब पास वाले किसी किराने स्टोर से मंगवा दीजिए। ये लीजिए प्लीज, थोड़ा जल्दी लीजिए। ये तो मुझे दो, मैं मंगवा लूंगी। तुम जाके फ्रूट्स ले आओ। ओके मैम। कितनी देर लगा दी आपने सामान लाने में भैया, अब कब बनेगा, मैं कब ले जाऊंगी, पता नहीं। अच्छा ठीक है, आप लाइए मुझे दीजिए सब। ये पूरा सामान नहीं है। मैदा, मैदा कहाँ है? मैदा मैडम, लिस्ट में जो लिखा था मैं सब कुछ लेके आया। भैया आपने लिस्ट नहीं देखी, लिस्ट के पीछे लिखा था, सीमा ने नहीं बताया आपको। मैडम ये तो सब कटा हुआ है, आप देखो। ये किसने काटा? मैडम मुझे नहीं पता, मुझे सुलेखा मैडम ने लिस्ट दी थी। हाय नायरा, अच्छा हो तुम यहीं पे मिल गए। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ज्वेलरी शॉप की एनिवर्सरी थी तो उसने सबको बुलाया था। आई गॉट दिस फॉर यू एंड कीर्ति। अच्छा है ना? बहुत सुंदर है चाची, थैंक यू सो मच। चाची वो आपने ग्रोसरी की लिस्ट में से कुछ सामान काटा था क्या? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? चाची वो सामान मैंने लिखा था, मैंने मंगवाया था, आपने क्यों काटा? क्योंकि एक तो मुझे नहीं पता था नायरा कि तुमने लिखा है, और दूसरा हमारे घर में ऐसी चीजें कौन यूज करता है। मैं छोले भटूरे बना रही थी कार्तिक के लिए, मुझे लंच पे लेके जाना था। कुछ और बना लो ना, घर में बहुत सारी ऐसी डाइट फूड्स हैं जो फटाफट बन जाएंगी। नहीं पर मुझे तो छोले भटूरे ही खाने थे ना। मैंने कहा ना नायरा, हमारे घर में कोई भी ऐसे ऑयली फूड नहीं खाते, तुम ना उन सबकी आदतें मत बिगाड़ो प्लीज। वैसे भी बड़ी मुश्किल से बच्चों को डाइट फूड अच्छा लगने लगा है, और मैं नहीं चाहती कि ये सब देखकर ना उनका डिसिप्लिन बिगड़ जाए। मैं कौन सा रोज रोज ये सब बनाने के लिए कह रही हूँ, और चाची कभी कभी से कुछ नहीं होता। प्लीज नायरा तुम्हें खाना है ना तो तुम खाओ, लेकिन हाँ बाकी लोगों की आदतें प्लीज मत बिगाड़ो। ओके आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।